<تصفيق> <تصفيق> رمضان, يا رمضان, رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوه رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوه <applause> الحمد لله वसलात वसलम वाल अम्मा अम्माबाद एक भाई सवाल करते हैं कि किसी ने किस्तों पर प्लाट ख़रीदा है और ये प्लाटी इस्तेमाल के लिए नहीं है बल्कि तजारत की गरज से ख़रीदा है बाद में बेचा जाएगा सवाल ये है कि वो किस्तें जो अदा की जा चुकी हैं क्या उनकी ज़कवा़त अदा करना इस पर वाजब होगा जिसने किस्तें अदा की हैं जो प्लाट खरीद रहा है तो गुजारिश ये है कि जो किस्तें अदा की जा चुकी हैं वो अदा करने वाले के इख्तियार में नहीं हैं वो माल उसके हाथ से निकल चुका है वो अब उसके तसरफ में नहीं है इसलिए जो माल आपकी मलकियत में नहीं है तो उसकी ज़क़ात आपके ज़िम्मे नहीं है आपने और किस्से भी अदा करनी है मजीद किस्से भी अदा करनी है और जो किस्से अदा कर चुके हैं वो वो माल आपके हाथ से निकल गया उनकी ज़िकात कौन अदा करेगा जिसके पास माल पहुंच चुका है जो उस माल का मालिक बन चुका है वो उन किस्तों की जकत अदा करेगा जिसने वो किस्से दी हैं उसके जिम्मे उनकी जकत नहीं है चाहे ये प्लाट तजारत के लिए है लेकिन यह प्लाट भी तो आपके हाथ में नहीं है माल आपके हाथ से निकल चुका है और प्लाट आपके हाथ में नहीं है आपके कब्जे में नहीं आया तो इसलिए प्लाट की जकात भी आपके जिम्मे नहीं है और उन किस्तों की जक़ात भी आपके जिम्मे नहीं है जो किस्तें आप अदा कर चुके हैं अलबत् अगर वो प्लाट आपको मिल जाए किस्तें आपने अभी दो अदा की हैं तीन अदा की हैं चार अदा की हैं लेकिन प्लाट आपको आपकी मलकियत में आ गया और आपकी मलकियत में आए हुए उसे एक साल हो गया है तो फिर उस प्लाट की कीमत जो होगी उसके बराबर आप जक़ात अदा करेंगे तआला आलम